सौम्य मुस्कान, विनम्र व्यवहार और अपनी अलग पहचान बनाए रखने वाले नंदकुमार सिंह चौहान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। काफी लंबे समय से वे कोरोना संक्रमित थे। डॉक्टरों के अनुसार उनके 90% फेफड़े संक्रमित हो गए थे। दिल्ली के अस्पताल में उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने आज तड़के वहां अंतिम सांस ली। नंदकुमार सिंह चौहान भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद थे। स्वर्गीय चौहान की पार्थिव देह आज दोपहर एयर एम्बुलेंस से खंडवा हवाई पट्टी लाई जाएगी और वहाँ से बुरहानपुर ले जाई जाएगी। अंतिम संस्कार उनके गृह नगर शाहपुर में होना संभावित है। नंदकुमार सिंह चौहान 2014 में मध्य प्रदेश के खंडवा से निर्वाचित हुए थे। राकेश सिंह के पहले वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे और उन्होंने यहां कहकर इस्तीफा दिया था कि वह अपने संसदीय क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। बुरहानपुर में जन्मे नंदकुमार सिंह चौहान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बुरहानपुर जिले के शाहपुर में नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर की। वे मध्य प्रदेश विधानसभा के बुरहानपुर से विधायक रहे। 1996 में 11वीं लोकसभा में भाजपा ने उन्हें खंडवा क्षेत्र से सांसद उम्मीदवार बनाया, जिसमें वे विजयी हुए। उसके बाद भी 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के वे सदस्य रहे, लेकिन 15वीं लोकसभा के चुनाव में खंडवा के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव से चुनाव हार गए। नंदकुमार सिंह चौहान के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी आला नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी नंदकुमार सिंह चौहान के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है।